और मैं राम कुबेर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस बिजनेस को करीब साल भर से ऊपर हो गया सीखते हुए, और मैं इस बिजनेस को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। आवाज़ जा रही है सर ना? मेरी आवाज़ जा रही है ना? तो जी सर, जी सर, आ रही है। मैं सर इस बिजनेस को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ, और मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, और जितना भी मेरे समय बचते हैं सब समय इसी में मैं लगाता हूँ सर। और कोई भी मेरे एक्स्ट्रा काम नहीं रहता है, और जितना मैं खाली समय इधर उधर व्यस्त करता था उसको मैं इसी आरसीएम में ही लगाता हूँ। और बहुत जैसे अपना स्टडी करना, कोई इसके बारे में जानकारी रखना या लोगों को बताना, जो भी प्रयास रहता है सर, अब लोगों को जुड़ना ना जुड़ना तो अपने क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो मैं ये प्रोडक्ट कंपेरिजन के लिए मैं ये बताना दिखाना चाहता हूँ। चार पाँच प्रोडक्ट मेरे जितने भी हैं, छः सात प्रोडक्ट मेरे पास हैं। तो सर हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होकर हम मंजन करते हैं, और ये मंजन जो है ट्रेडिशनल मार्केट का है, रेड है डाबर का। ये आपका इसका जो अगर हम 100 ग्राम का ले, छोटा वाला है, लेकिन मैं अगर 100 ग्राम का लेते हैं, ये 100 ग्राम जो हमारा पड़ता है 54 रुपया का पड़ता है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना डॉक्टर और बिना डॉक्टर या फिजिशियन के अंडर सुपरविजर में करिए, और उनसे जरूर बात कर लीजिए कि इसमें कैसे करना है। तो ये जब जो मंजन हम अगर डॉक्टर के और या फिजिशियन के अंडर गाइड में करते हैं, निश्चित है कि उसमें कुछ कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वो करने के लिए सलाह देते हैं, इसमें लिखा हुआ वार्निंग में। और इसको सर अगर हम लोग के लिए अगर वार्निंग अगर दी जा रही है, तो बच्चों के लिए भी दिक्कत वाली होती है कि उसको हम अपने अंडर गाइड में इसको जो है मंजन करवाएं। और इसी क्रम में हमारे जो आरसीएम का जो कोविगो ऑलराउंड अरे वंडर हर्बल जो है लिखा है जीरो डेंटल वेरीज, कोविगो जो हर्बल जो है ये हमारा जो है 48 रुपया का पड़ता है, पुराना ही लग रहा है। तो 48 रुपये का जो है एमआरपी इसकी है, और इसको हम अपनी खूबसूरत आईडी लगाते हैं अपने बिजनेस का, तो ये हमको 38 रुपये की पड़ती है। और इस 38 रुपये में हमको सर 21 रुपया जो है 38 रुपया का पड़ती है, 23 रुपया इसका बिजनेस वैल्यू होता है। 23 रुपया अगर 3 रुपया 10% की खरीदारी, अगर हम खरीदारी पर 10% घटा देते हैं, ये निश्चित रूप से 2 रुपया 30 पैसा जो है ये घट जाता है। 38 में से अगर 2 रुपया 30 पैसा घटाते हैं तो हमारा 35 रुपया 70 पैसे का पड़ता है। निश्चित रूप से इस ट्रेडिशनल मार्केट के मंजन से एक बहुत सस्ता है। तो दूसरा सर, इसके बाद हम साबुन का प्रयोग करते हैं सर। जब मंजन करते हैं तो नहाने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। ये लक्स का साबुन है, ये लक्स का साबुन है, छोटा है सर, 10 50 ग्राम का है, लेकिन इसको अगर हम 100 ग्राम का लेंगे तो 26 रुपया का पड़ता है। और 26 रुपया का पड़ता है तो ये इसमें बहुत सारी, इसमें जो TFM है ये 70% दिया है, 70% का है इसमें लिखा हुआ है 17%। और ये सेकेंड ग्रेड का साबुन है सर, सेकेंड ग्रेड का साबुन है, 17% TFM है, सेकेंड ग्रेड का साबुन है। और इस साबुन को इसका कोई भी बीवी भी नहीं रहता था, बीवी नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें कोई भी हमको पैसा वापस रिटर्न नहीं होता है। और ये जो हमारे लिए महंगा पड़ता है हमारे आरसीएम बिजनेस के साबुन से, तो ये हमारा आरसीएम बिजनेस का साबुन है सर। ये जो हमारा इस समय 26 रुपये, पहले मैं लिया हूँ 26 रुपये का है, 22 रुपये का लिखा है इसमें सर, 26 रुपये का है। ये भी उतने ही दाम का है, लेकिन इसका जो अगर हम आईडी लगाते हैं तो ये हमें 20 रुपये का मिलता है। और 20 रुपये का जब मिलता है तो इसमें 10 रुपया इसकी बीबी होती है, और 10% की खरीदारी पर जो है ये 10 रुपये की खरीदारी, 10 रुपये की बीबी इसको हम 20 रुपये में अगर 1 रुपये घटा देते हैं तो हमारे ये 19 रुपये पड़ता है। और ये बहुत ही शानदार साबुन है सर। इस साबुन से लगाने से, जो यूज करने से हमारे त्वचा का जो बीमार इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है, खुजली जो शरीर के अंदर होती है वो सही हो जाता है, और त्वचा में निखार लाता है। इसमें प्योर, इसमें नीम इना में हमारी इस नीम साबुन, नीम में मिला हुआ जो भी तत्व है, नीम जो मिला हुआ है साबुन में, वो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद करता है सर। और ये जो है 100 ग्राम का है, इसमें जो TFM है ये 76% TFM मिला हुआ है, और ये बहुत बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी का, ये वन फर्स्ट ग्रेड का साबुन है।
और ग्रेड वन का साबुन है, तो निश्चित रूप से इस ट्रेडिशनल मार्केट के साबुन से जो है बहुत ही बेहतरीन है। इसको हमें यूज करने से हमारे शरीर की जितनी भी त्वचा बीमारी संबंधी बीमारियाँ होती हैं खत्म हो जाती हैं सर। तेल उसके बाद हमारा आता है, वो तेल कहाँ रखते हैं जी? हमारा तेल है सर, नहाने के बाद हम तेल लगाते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मार्केट का तेल है, डाबर का तेल है, और इसको 150 ग्राम अगर इसको लेते हैं तो ये 150 ग्राम हमारा पड़ जाता है 70 रुपया 50 पैसे का। ये हमारा 150 ग्राम 70 रुपया 50 पैसे का पड़ जाता है। और ये इसमें ये तेल जो है मिलावटी होता है सर, इसमें उस मिलाते हैं खनिज मिनरल ऑयल मिला कर बनाया जाता है, जो हमारे बालों को बहुत तेज झड़ाता है, बाल झड़ जाते हैं इसे लगाने से। और परेशानियाँ आजकल जितने भी छोटे से लेकर बड़ों का जितना भी बाल, आज तो असमय ही बाल झड़ने लगते हैं बालकों का, जैसे बच्चे हैं उनको भी बाल आजकल झड़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये बालों को बहुत बचाओ, बालों के जड़ों को कमज़ोर करता जाता है और बाल जो है झड़ जाते हैं। तो ये वास्तव में सर ये तेल लगाने योग्य नहीं है, लेकिन महंगा भी है। इसी में हमारा आरसीएम बिजनेस का जो तेल है, यह तेल जो है सिनोल आयल है सर, सिनोल हर्बल आयल है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। इसमें जो है हमारा प्योर राइस ब्रांड से बना हुआ है, इसमें जो भी हमारा उसमें खनिज मिलाया जाता है उससे इसमें लिखा हुआ है, इसमें बहुत राइस ब्रांड आयल से बना होता है, और ये बहुत ही शानदार और तेल है। इसका जो मूल्य हमारे आरसीएम में जो है, इसका जो हम देखते हैं ये पड़ जाता हमारा 54 रुपये का पड़ता है, जब हम इसको आईडी लगाते हैं तो 32 रुपये का, नहीं 54, इसका जो पड़ जाता 68 रुपये का एमआरपी है, और जब हम इस पर आईडी लगाते हैं तो 54 रुपये का पड़ता है। इसमें 3 रुपया 20 पैसे जो हमारा बिजनेस वैल्यू जो बनता है, कमीशन जो इसमें मिलता है हमको, तो निश्चित रूप से इसमें अगर हम 54 में से 3 रुपया 20 पैसा घटाते हैं तो बच जाता है 50 रुपया 80 पैसे का पड़ता है सर। ये 70 रुपया 50 पैसे का है, ये 50 रुपया 80 पैसे का है सर। तो निश्चित रूप से ये तेल क्वालिटी में भी दम है और रेट में भी कम है इसकी सबकी अपेक्षा, तो इसके इसको लगाने से हमारे बाल नहीं झड़ते हैं। और मैं बार बार बताता हूँ, जब भी मैं कंपेरिजन करता हूँ तो मैं इस पर बताता हूँ कि विटामिन ई तो पहले से मिला ही है, लेकिन जब हम इसमें एक्स्ट्रा अगर मिला देते हैं विटामिन की अगर 4 गोली, तो ये इसकी पावर बढ़ जाती है, बाल में जो झड़ने की क्रिया होती है रुक जाती है, और बहुत शानदार इसका रिस्पांस मिलता है, और चमकदार, और वो इसमें भी मिला होता है आंवला मिला होता है, ब्राह्मी मिला होता है, तुलसी मिला होता है, और विटामिन ई ये कम्प्लीट, ये हमारा हेयरबल ऑयल तेल है सिनोल, जो हमारे बालों को अच्छा करता है सर। तेल लगाने के बाद सर आपका अगला प्रोडक्ट आता है खाने के लिए, ये मैं बार बार जब करता हूँ इसका कंपेरिजन तो ये मैं भूल जाता हूँ। इसके सापेक्ष में मेरे पास तो उसका रेफर नहीं है सर, वो सफोला का है, लेकिन सफोला के बारे में मैं विधिवत जानकारी रखता हूँ। सफोला के बारे में मैं बता दूँ आपको, ये सफोला तेल में क्या क्या होता है और इससे क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें। सफोला तेल सर ये जो होता है केमिकल रिफाइन होता है, केमिकल से बना होता है, और इसमें जो है हमारा राइस ब्रांड जो होता है 70% राइस ब्रांड होता है। सफोला जो है 30, सफोला में सनफ्लावर 30% होता है, और इसका जो ओरिजिनल इसमें जो मिला हुआ था वो 700 mg होता है, और इसमें जो है इसका रेट जो होता है प्रेजेंट में इसका रेट जो है 240 रुपया है सर, प्राइस जो है 240 रुपया है। अगर ये 240 रुपया अगर एक, अगर आप दुकान पर जाएंगे तो 1 रुपया नहीं छोड़ता है यहाँ दुकानदार, और 240 है तो 240 का ही देगा वो। तो इसमें इतनी क्वालिटियाँ हैं, जो ये सफोला तेल जो है बाजार का मानते हैं ट्रेडिशनल का बढ़िया रिफाइंड तेल है, तो ये तेल जो है आपको इतना महंगा पड़ता है, प्लस इसमें जो भी क्वालिटियाँ जो भी इसमें मिले होते हैं मिक्सर होते हैं वो बहुत है, कम मात्रा में मिलता है। जैसे ओरिजिनल हमने बताया 700 mg का, और राइस ब्रांड जो इसमें 70% मिला होता है, सनफ्लावर इसमें 30% मिला होता है, और ये केमिकल रिफाइन राइस केमिकल रिफाइन से बना होता है। इसी तरह हमारे जो आसिया में हमारा जो तेल होता है राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड, जो ये 100% फिजिकली रिफाइन राइस ब्रांड, फिजिकली रिफाइन 100% जो है राइस ब्रांड से बना होता है। इसमें गामा ओरिजिनल जो होता है 1400 mg या 14000 ppm, 14000 ppm का बना होता है, 100 ग्राम पर 100 ग्राम में जो लिखा है, और ये
इसका जो तेल जो है इसमें 200 रुपया, 195 रुपया प्रेजेंट में इसका मूल्य है, और इसमें 75 रुपया जो हमारी बीबी होती है, जो निश्चित रूप से 7 रुपया 50 पैसा, और इसमें अगर कम कर देते हैं तो ये हमारे पड़ जाता है 87 रुपया 50 पैसे का, 87 रुपया 50 पैसे का पड़ जाता है, 187 रुपया 50 पैसे का पड़ जाता है, 187 रुपया 50 पैसे का। तो निश्चित रूप से ये तीर से जो है, कल इसका मैंने इसका देखा है, वो हमारे श्री आदरणीय रजनीश विश्वकर्मा जी इसके बारे में बता रहे थे, इसके बारे में जितना भी उन्होंने बताया वो काबिल तारीफ थी, और मैं इस ब्रांड हेयर ऑयल को हमारे घर में हमेशा यूज होता है, मैं जब से ज्वाइन किया हूँ ऐसा शानदार तेल मैंने आज तक नहीं देखा है। ये तेल की क्वालिटी काबिल तारीफ है, इसमें जिससे जितनी बीमारियाँ होती हैं शरीर के अंदर, उस सारी बीमारियों को खत्म करती है। हमारे महागुरुदेव श्री परम आदरणीय श्री आर बी द्विवेदी जी बताते हैं कि इस तेल को अगर हम यूज करते हैं 3 महीने तक, तो हमारे घर में जो है बहुत सारी बीमारियां या 70% बीमारियां जो है खत्म हो जाती है। ये इसमें जैसे इसके कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बीपी कम करता है, और शुगर के में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको हम अगर कंटिन्यू लेते रहें तो ये तेल जो है हमारा बहुत ही शरीर परिवार में और अपने खुद के शरीर को जो है बहुत फायदा करता है सर। तो इसमें इसका 200 195 में घटा के मैंने 7.5 रुपये घटाया, तो हमारा बना था 87 रुपया 50 पैसे का, ये हमारा 187 रुपया 50 पैसे का बनता है। तो सर निश्चित रूप से इस तेल का हमको यूज करना चाहिए, हर घर में अगर इस तेल का यूज करते हैं तो ये तेल जो है सभी बीमारियों का इलाज है। और मैं कहता हूँ कि ये तेल नहीं, हमारे आश्रम में हम लोग बोलते हैं इसको अमृत के समान है। अगर इस अमृत को अगर हम यूज कर, लोग पहले अमृत कहते हैं कि खाने से लोग अमर हो जाते हैं, लेकिन तो ऐसा तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस जो जन्म लेता है उसको तो मृत्यु जरूर होती है। ये तेल जो है तो अब जब तक हम इसको खाते रहेंगे हमारा जो है शरीर जो है सचमुच उसमें अमृत की तरह काम करता है। और अगला हमारा प्रोडक्ट है सर, ये क्रीम है सर, क्रीम हमारा है, ये निविया का क्रीम है सर। ये निविया का क्रीम जो है, कल परसों हमने इंद्रमणि तिवारी सर का मैंने प्रोडक्ट कंपेरिजन देखा था, उस प्रोडक्ट कंपेरिजन में उन्होंने निविया का दिखाया था, निविया का उन्होंने बताया था कि निविया कितना महंगा पड़ता है और इसकी क्वालिटी क्या है। मैं भी कहना चाहता हूँ उसको सर, ये 29 ग्राम का है, अरे 29 ग्राम का है, जो पुराना रेट है सर ये हमको पड़ता है 45 रुपये का। तो अगर हम इसको नया, इसको अगर पूरा जिस इस हमारे अपने आश्रम के हिसाब से अगर हम इस 50 ग्राम के फ्रेश सनशाइन से तुलना करें, इसका दाम पड़ जाता है 77 रुपया 50 पैसा पड़ता है, 77 रुपये 50 पैसा पड़ जाता है। जबकि हमारा ये खूबसूरत सा बिजनेस, इसको लगाने से लोग बहुत इसकी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है सर कि ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बच्ची इसको यूज करती है, तो अभी उसको छोड़ दिए लगाना, अब वो हमारा फेस और साइन का ही अपना यूज करती है। तो इस क्रीम का जो 77 रुपया 50 पैसा है, और ये हमारा जो फेस और साइन जो हमारा आरसीएम में जो होता है, इस आरसीम्यासा फेस एंड साइन क्रीम स्मूथ त्वचा के लिए, त्वचा को स्मूथ बनाता है, और बहुत सारे इसके जो गुण हैं, ये जो रोम होते हैं हमारे त्वचा में, उन रोम चेहरे पर जब लगाते हैं तो ये रोम छिद्रों को जो है बंद नहीं करता है, और ये उसमें जो इसके माध्यम से पसीने जो आते हैं अंदर की जो भी जितने गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है। और मैंने एक और क्रीम के बारे में सुना था, सुना है सर कि जो फेयर एंड लवली है वो त्वचा को, रंध्रों को बंद कर देता है, और वो उसको जब सूखने लगता है तो लगता है कि सफ़ेद दिखता है, लगता है लोग कहते हैं कि हम कोरे होते जा रहे हैं, जबकि वो त्वचा को बहुत नुकसान करता है, उसको जो है बाद में लगाते तो पहले शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो धीरे पिंपल निकलने लगते हैं, जुमटुम से निकलने लगते हैं, वो नुकसान करता है। लेकिन हमारा ये आसिया में जो हमारा फेयर सनशाइन जो क्रीम है, ये बहुत ही शानदार क्रीम है, इसको अगर आज जब हम इसको लगाते हैं, ये हमारा पड़ता है 50 ग्राम का, इसका एमआरपी जो है 85 रुपया है, और जब हम इसको खूबसूरत बिजनेस का आईडी लगाते हैं तो 65 रुपया का पड़ता है, और उसमें 37 रुपये की बीबी, 63 रुपया का पड़ता है बीबी जो होती है हमारी, 37 रुपये पड़ती है, तो 3 रुपया 70 पैसा अगर घटा देते हैं तो ये हमारा पड़ जाता है 63, तो ये हो जाएगा 58 रुपया 70 पैसा पड़ जाएगा, नहीं 59 रुपया 70 पैसे का पड़ेगा, अरे 30 पैसे का पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये क्रीम हमें यूज करने लायक है, और हमें हमेशा इसको क्वालिटी बताते हैं कि बहुत बेहतरीन है, लोगों को बताता रहता हूँ कि आज तक जो भी आपने क्रीम यूज किया है उस क्रीम से बहुत ही शानदार क्रीम ही हमारी है।
और ट्रेडिशनल मार्केट की जितनी भी क्रीमें हैं वो सब बहुत ही नुकसान करते हैं, उसको हम यूज नहीं करना चाहिए। सर ये हमारा एक आखिरी प्रोडक्ट है, ये हमारा है, ये मूव है सर, छोटा वाला मूव है, लेकिन इसका जब हम इसके अपने पेन किया पेन गो के हिसाब से तुलना करते हैं 30 ग्राम में, तो ये हमारा पड़ जाता है सर 120 रुपये का पड़ जाता है सर। ये 120 रुपये काफ़ी महंगा पड़ता है, और ये सर जो क्वालिटी हम लोग, हमारे भी जो टॉप लीडर हैं जो इसकी बहुत अच्छे ढंग से कंपटीशन प्रोडक्ट करते हैं, बताते हैं कि जब इस हम भी यूज करके देखा है कि जब इसको लगाते हैं तो पेन तो ठीक नहीं होता है, और एक जगह से दूसरी जगह वो पेन ट्रांसफर कर देता है, मूव का मतलब घूमना होता है, तो इस बीमार जो दर्द होता है एक तरह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इसका दाम बहुत काफ़ी है सर, इसमें कोई भी हमको बीबी और या कमीशन नहीं, वो परफॉर्म बोनस नहीं मिलता इसमें, लेकिन जब हम अपने पेन अपने खूबसूरत आईडी लगाते हैं जब आशय में और उसमें लेते हैं, तो ये हमारा 30 ग्राम का जो है, इसका जो MRP जो है 80 रुपया है, और 80 रुपया है सर तो निश्चित इसका जो हम आईडी जब लगाते हैं तो 55 रुपये का पड़ जाता है, और इसमें जो 3 रुपया 30 पैसे जो है इसमें हमको कमीशन मिलता है, 33 रुपया इसकी बीबी है, तो निश्चित रूप से अगर हम इसको 55 रुपया में 3 रुपया का 51 रुपया 70 पैसे का पड़ जाता है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये प्रोडक्ट है जो हमारे आशियम में इसको में बैकेज स्प्रेन और स्ट्रेन जो है इसके तनाव खिंचाव जितने भी शरीर के अंदर होते हैं उस सबको दूर करता है, और ये शानदार हमारा ये पेन वो है सर। ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्टों को मैंने बताया जितना मुझे जानकारी थी, और मैं इन सारे प्रोडक्टों का जब मैंने गणना किया कि कितने का इसका प्राइस आता है, तो इसका सर मैं बता दूं कि 642 रुपया हमारे ट्रेडिशनल में आता है स्टील इसमें, और जो 400 रुपया कुल में जो हम कुल अपना जो कमीशन से निकाल के जो निकालते हैं, तो 440 रुपया का हमारा आरसीएम का पड़ता है, उसका जो बीबी जो हमारी है उसको अगर निकाल दें कमीशन, बीबी पर जो कमीशन को मिलता है उसको जब निकाल देते हैं तो 440 रुपये का पड़ता है, इसलिए हमें जो बचत होती है 202 रुपये की बचत होती है। निश्चित रूप से सर हमारे आरसीएम के जो भी सामान होते हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और 100% शुद्ध होते हैं, और जब हम इसको यूज करते हैं तो काफ़ी बचत होती है हमारे MRP पर बचत, अरे खरीदारी में बचत होती है, प्लस जो हमको कमीशन मिलता है उस पर बचत, वो उसको भी निकाले तो बचत होती है, इसलिए टोटल हमारा 642 में 440 घटाते हैं तो 202 रुपया की हमारी पूरी जो है बचत होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट हम अगर अगर हम 10 रुपया भी सामान लेते हैं वो भी सामान का हमको उसका बीबी 5 रुपया मिलता है, उसमें 0.5% 50% जो हमारा बचत होती है, तो निश्चित रूप से हम कोई भी अगर ट्रेडिशनल सामान बाहर से लेते हैं तो हमें बहुत, हम तो कभी अगर हमारे घर में अगर खत्म हो जाता है बाहर से लेता हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि काफ़ी दूर पड़ जाता है रीवा आना जाना, इसलिए मैं सामान लिया कर पहले से एडवांस रख लेता हूँ सर, अगर इमरजेंसी में अगर कभी खत्म हो गया तो अपने को बहुत अफसोस होता है कि सामान को लाकर रख देना चाहिए। सर मैं इतने प्रोडक्टों का कंपेरिजन किया और जो इसमें बचत और लाभ जो हमको मिला है इसको मैंने बताया, और सर हमको मैं अपने महागुरुदेव कुर्मिलिया सर को मैं सर प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने मुझे यह प्रोडक्ट कंपेरिजन के लिए निमंत्रित आमंत्रित किया, और सभी सभी साथी और गुरुजन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और मैं सर एक शब्द एक वाक्य बोलना चाहता हूँ अपने महादेव महागुरु मिलिया सर के लिए, सर मैं इनको मैं जब भी इनकी जो भी मैं देखता हूँ इनके बारे में सुनता हूँ समझता महसूस करता हूँ, जितनी हमारी ये हेल्प और ये हमारी जो मोटिवेट नीचे होता हूँ जो मुझे हमारे सारे सवालों को जवाब देते हैं, तो इनके बारे में यही कहता हूँ जो वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही जान बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। सर इन्हीं वाणी के साथ अपने अरी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सत्सर प्रणाम करता हूँ, जय हिंद, जय आसियम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छी बातें आप बताते हैं, और प्रोडक्ट कंपेरिजन तो बहुत खूबसूरती खूबसूरती से आप करते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और अब अपने बीच में सेवन कार्डिनल रूल बताने के लिए मीरा पांडे मैडम है, यदि आप तक हमारी बात जा रही है तो सेवन कार्डिनल रूल बता सकती हैं आप, व्यवस्थित हो आपको तो कुछ समय चाहिए हो तो फिर उसके बाद उसको ला जाए। नहीं जी सर जी कोई बात नहीं जी सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय आशीष। मेरा नाम मीरा पांडे, आवाज जा रही है सर?
जी जी आ रही है जी, जी जी आवाज आ रही सर। जैसे तो अपने सिस्टम में और हर जगह भी एक रूल होता है, हम कहीं से भी सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, किसी भी बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के बिना हम फॉलो किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारे रूल्स में पहला आता है कि सिस्टम की अनुमति के बिना किसी भी नए तरीके का पालन नहीं करना चाहिए। हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे नियम है और जो हमारे अप्लाइन होते हैं उनसे भी परामर्श लेके हमको अपने जो सिस्टम में है आगे बढ़ने के लिए नए तरीके का पालन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम ज्वाइन हुए हैं, अभी हमको पूरी नॉलेज नहीं है, तो हमको खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना भी चाहेंगे तो हम कुछ कदम तो चल सकते हैं लेकिन हम सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा है अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। अपनी डाउन लाइन अपनी जो नीचे की लाइन होती है उसमें और अपनी जो क्रॉस लाइन होती है दूसरी लेग होती है उसमें निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी फैलाने से हमारा भी बिजनेस अप्रूव नहीं कर सकता है। तीसरा है सर किसी के पैसे और भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। किसी के पैसे भावनाओं अगर हम किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं या ज्वाइन नहीं भी होते हैं लोग अगर हमसे सामान परचेज कर रहे हैं तो हमको उनको उनके पैसे अधिक नहीं लेने चाहिए, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर हमको उनके जो सामान 10 रुपए का है तो हमको उनसे 12 रुपए 20 रुपए ऐसे नहीं लेना चाहिए। चौथा है किसी की शिकायत बुराई या आलोचना न करें। इस सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद हमको किसी की शिकायत बुराई आलोचना नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम बुराई आलोचना करेंगे तो वो भी हमारे जो डाउनलाइन है जो हमारे नीचे जो हमारे साथ जुड़े हैं उन पे भी बुरा असर पड़ सकता है। छठा है अपने क्रॉस लाइन के साथ अपने व्यवसाय के बारे में बात न करें। अपनी जो दूसरी लेग होती है उसमें हमें अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे जो हमारे बिजनेस में जो हम बिजनेस करते हैं तो उनको क्रॉस लाइन को इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो हमको अपने सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस के बारे में उनसे बात न करें। छठा है शराब न पिए और नशीली चीजों का सेवन न करें। शराब न पिए नशीली चीजों का सेवन न करें। अगर हम को कहीं प्लान दिखाने जाना है प्रोडक्ट बताने जाना है और अगर हमने शराब पिया है जहरीली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो हम खुद अपने होश में नहीं रह सकते तो सामने वाले को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। सातवां ऐसा झूठ ना बोले दिखावा ना करें और अपनी प्रशंसा ना करें। हमको अपनी प्रशंसा नहीं करनी है कि हम इस सिस्टम में जुड़े हैं तो सारा काम हम कर रहे हैं और दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। तो थैंक यू सर, जय आरसीएम। मैडम जय आरसीएम। मैडम बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया और बहुत अच्छा लगा और साथ में आपने उसको कुछ डिफाइन करके भी बताने का प्रयास किया, उसको कुछ विस्तार रूप से बताने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। साथ में अब सिक्स बेसिक चूंकि निर्मला पटेल मैडम का था और निर्मला पटेल मैडम ने एक पृष्ठ बताया है तो सिक्स बेसिक यदि कोई साथी बता सके या फिर निर्मला पटेल मैडम स्वयं बता सके यदि आप तक बात जा रही है तो। कोई भी साथी बता सके या फिर निर्मला पटेल मैडम स्वयं बता सके यदि तो सिक्स बेसिक के लिए। जी निर्मला पटेल मैडम का फिर से माइक चालू हुआ था शायद, कुछ बोलना चाहती हैं आप मैडम? जी जी सर, अनमत के बिना जो अनमत हो तो सिक्स बेसिक बता सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जी सर, सिक्स बेसिक बोलने को मौका मिला सर और ज्यादा तो नहीं बनता है, जो कुछ बनेगा तो बता रही हूँ। और पहला सिस्टम कहता है पहला उत्पादन उपयोग कर और उत्पाद बेचे। जब तक आप ना यूज करेंगे तो उत्पाद कैसे बेच पाएंगे। और दूसरा है